नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। स्मालखा के स्टेडियम में वाटर प्रूफ शामियाना तले मनेगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। डीसी ने दिए निर्देश, हर घर तिरंगा इस बार रहेगा थीम। स्मालखा के भापरा स्टेडियम में आयोजित होगा स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम, डीसी और एसपी ने किया निरीक्षण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम, वन विभाग व बीएनआर को दिए निर्देश, प्रदूषण फैलाने वाले दो हॉटस्पॉट किए गए चिन्हित। 17 दिनों बाद एक बार फिर मिले 17 नए मरीज, 9 लोग हुए स्वस्थ। अब पानीपत जिले में कोरोना के एक्टिव केस हुए 60। मॉडल टाउन के व्यापारी ने पुलिस को दी शिकायत, बंद फैक्ट्री से चोरों ने कर लिया 3 लाख रुपए का सामान चोरी। शहर में बढ़ती ठगी के मामले, फैक्ट्री के कर्मचारी से ऑनलाइन हुई 2,97,000 रुपए की धोखाधड़ी। गांव गढ़ सरनाई में 3 किशोरों की मौत से पूरा गांव हुआ गमगीन, तालाब में नहाते हुए डूबे 3 किशोर, आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। साइबर ठगों ने इस बार आयकर अधिकारी को बनाया निशाना, सोशल मीडिया पर उसके नाम से अकाउंट बनाकर मांगे रुपए। CI3 पुलिस की टीम ने कुटानी रोड पर पावर हाउस के नजदीक एक युवक को अवैध देसी पिस्तौल सहित किया गिरफ्तार। चाकू से हमला करने के मामले में फरार चल रहा 5वां आरोपी भी गिरफ्तार, इससे पहले पुलिस कर चुकी है 4 आरोपियों को गिरफ्तार। तहसील कैंप में रात के वक्त सांड ने मचाया उत्पात, कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी गाड़ी को पहुंचाया नुकसान, टूटे गाड़ी के शीशे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।